नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल संजीव शर्मा वीडियो लॉग में। आज जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे होने वाली है कि ऐसी क्या बातें हैं ब्रीज़ा में जो हमें जो है वो ब्रीज़ा लेनी चाहिए, ऐसे पॉइंट्स जो हमें ये दर्शाते हैं कि ब्रीज़ा में ऐसी कुछ क्वालिटीज़ हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के राधे राधे, और कमेंट में आप लोग जो है वो राधे राधे लिखते रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो साहब, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो गाड़ी की जो है वो लुक, आप देखिए गाड़ी की जो लुक है वो एक कम्पैक्ट एसयूवी में जो है वो वन ऑफ द बेस्ट लुक जो है वो ब्रीज़ा की है, आप ये देख सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं कि जिस तरह की इसकी रोड प्रेजेंस है और जिस तरह इसका मास अपीयरेंस है, रोड प्रेजेंस देखिए और ये इसका मास अपीयरेंस देखिए, यहाँ से आगे से जो गाड़ी है वो कितनी जो है वो बिल्ड नहीं आती है, मतलब गाड़ी की चौड़ाई जो है वो काफ़ी जो है वो लगती है, मतलब गाड़ी जो है वो बिल्ड इसकी स्ट्रॉन्ग लगती है। मैं आगे से अगर इसकी बात करूं यहाँ से देखिए, तो ये कहीं ना कहीं गाड़ी की जो बिल्ड को जो है वो गाड़ी को दिखाता है। तो ये इसका पहला कारण हो गया कि इस गाड़ी को लेने का, कम्पैक्ट एसयूवी, इसकी रोड प्रेजेंस और इसका मास, तो ये पहला कारण है गाड़ी को लेने का। सर दूसरे का कारण की बात करें तो दूसरा कारण है इसका ये स्मार्ट हाइब्रिड, जो कि इस गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने में जो है वो हेल्प करता है। तो सेकंड अगर मैं इसकी बात करूँ रोड प्रेजेंस के साथ साथ इस गाड़ी का स्मार्ट हाइब्रिड, गाड़ी की माइलेज की अगर बात करें तो सिटी में ये जो गाड़ी है नियर अबाउट 16 से 17 की एवरेज जो है वो गाड़ी आराम से देती है। तो सेकंड कारण रहा इसका रोड प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस के साथ साथ इसकी स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और फ्यूल एफिशिएंसी, जो कि ब्रीज़ा की गाड़ी को कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि ये गाड़ी का जो है वो सेकंड जो है वो इसका प्लस पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसका जो स्मूथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर जो है, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आता है गाड़ी का विद ए पैडल शिफ्टर्स, तो जो लोग गाड़ी ऑटोमेटिक लेते हैं वो काफ़ी जो गाड़ी की स्मूथनेस जैसे जर्क लेती है वो गाड़ी नहीं है, और जो इसका पैडल शिफ्टर है वो कहीं ना कहीं ये कारण रहता है कि हम ब्रीज़ा को जो है वो कंसिडर करें। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूँ तो दैट इज़ वॉट वेल मेंटेन सस्पेंशन, इसका जो सस्पेंशन है वो बहुत बढ़िया सस्पेंशन है, मतलब आप गाड़ी को चलाएंगे तो कोई गाड़ी में जो नॉइज नहीं आती है और छोटे मोटे गड्ढों में तो आपको फील भी नहीं होगा। और उसके साथ कारण की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी के टायर्स, ये आपके 215 इंच के जो हैं वो उसके टायर हैं, R16 और 60 इंच ये है। R16 का मतलब उसका डायमीटर और 16 का मतलब ये जो चौड़ाई आपको दिख रही है ये आपकी जो है वो 16 इंच है। तो एक ये कारण हो गया कि गाड़ी के सस्पेंशंस, टायर्स और टायर्स की जो चौड़ाई है वो बढ़ गई है। पहले जो गाड़ी के टायर्स आते थे वो 205 आते थे, अब ये गाड़ी के जो टायर की चौड़ाई है वो 215 है। अगर मैं नेक्स्ट रीज़न बताऊं कि ब्रीज़ा में ऐसा क्या है, इसका अच्छा खासा कैबिन स्पेस, अच्छी खासी स्पेस जो है वो इसमें मिलती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ बैठ के आगे से भी देख सकते हैं और पीछे से भी, ये काफ़ी खुली जो है उस गाड़ी में देखिए स्पेस है, मेरे बैठने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो इसमें है, आप अपने पैरों को आराम से खोल के बैठ सकते हैं। और इसका डिस्टेंस स्पेस जो है वो कहीं ना कहीं दिखाता है गाड़ी का कि गाड़ी को लेने का, ब्रीज़ा को लेने का कारण जो है वो एक ये भी कारण है कि इसमें अच्छा खासा डिसेंट जो है वो कैबिन स्पेस है। अगर मैं नेक्स्ट कारण की बात करूं कि ब्रीज़ा में ऐसा क्या है, तो जो लोग ZXI या ZXI प्लस में जाते हैं तो उनको यहाँ पर जो है वो एक सनरूफ जो है वो मिल जाता है, इसमें पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, इसमें सिंपल जो है वो सनरूफ आपको मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है आपको, आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम में अगर आप ZXI प्लस में जाते हैं तो वो 9 इंच का जो है वो आपको एक सुंदर सा जो है वो डिस्प्ले जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर जो आगे जो है वो हेडअप डिस्प्ले जो है वो मिल जाता है आपको ZXI प्लस में जो है वो मिल जाता है। वायरलेस चार्जर जो है वो आपको अगर आप लेते हैं ZXI प्लस लेते हैं तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर जो मिल जाता है, और टेलीस्कोपिंग स्टीयरिंग जो है वो भी आपको देखने को मिल जाता है अगर आप ZXI प्लस में जाते हैं। तो अच्छे खासे फीचर जो है वो उन्होंने ZXI प्लस में दिए हुए हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इसमें हमें आपको ECS मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है, ESC मिल जाता है आपको, इंजन इग्निशन आइडल ऑफ ऑन का फंक्शन जो है वो इसमें मिलता है, इसमें आपको गाड़ी में जो है वो ऑटोमेटिकली हिल होल्ड सिस्टम जो है वो गाड़ी में दिया हुआ है। तो सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा जो है इसमें जो है वो हमें दिया हुआ है, ABS टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में जो है वो यूज़ की हुई है। तो चार अगर बात करें तो चार मेन फीचर हो गया आपका, ABS हो गया, ESC हो गया आपका, इंजन आइडल ऑफ ऑन हो गया, और आपको होल्ड सिस्टम जो है वो भी मिलता है। होल्ड सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसकी एक वीडियो जो है वो हमने सेपरेटली जो है वो बनाई हुई है,
आप उसको चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसमें एडवांटेज क्या रहता है कि अगर आप हिल पे जाते हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो 2-3 सेकंड के लिए होल्ड हो जाती है अगर आप गाड़ी को न्यूट्रल रखते हैं, तो ये फायदा है होल्ड हिल सिस्टम का। और सबसे बड़ा कारण जो है वो ब्रीजा को लेने का ये रहता है कि ये लोगो मारुति सुजुकी जो इनकी आफ्टर सेल सर्विस है वो वन ऑफ द बेस्ट है। अच्छा खासा नेटवर्क पूरे इंडिया में जो है वो गाड़ी का हमें देखने को मिलता है, तो तमाम इंडिया में जो है वो मारुति की अच्छे खासे रिटेल आउटलेट है, अच्छे खासे सर्विस सेंटर है और ये ब्रांड जो है वो अपने आप में ही बहुत है। तो ये कई प्रमुख कारण रहते हैं जिसकी वजह से हमने जो है वो ब्रीजा को सिलेक्ट किया। बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो साहब ये प्रमुख कारण रहते हैं कि जैसे हमने बिल्ड क्वालिटी की भी बात की है पहले, जो आपका हाइब्रिड सिस्टम हो गया, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी होगी, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी होगी, रोड प्रेजेंस हो गया, सस्पेंशन हो गया, गाड़ी के टायर्स आपके हो गए, कैबिन स्पेस हो गया, आपका बूट स्पेस हो गया, ESP हो गया, आपका इंजन आइडल ऑफ ऑन हो गया, आपका हिल रोल सिस्टम हो गया, आपका ABS टेक्नोलॉजी गाड़ी में यूज की हुई है, 7 इंच का अगर आप इसकी बात करते हैं, हम VXA की बात करते हैं तो 7 इंच का, या ZXC की बात करते हैं तो 7 इंच का जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ZXC प्लस की बात करते हैं तो 9 इंच का जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम है, आपके 2 एयरबैग की अगर बात करें तो ये आपको VXA मॉडल में 2 एयरबैग मिलते हैं, ZXI में भी 2 मिलते हैं, ZXC प्लस में आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, ZXC प्लस में आपका वायरलेस मोबाइल चार्जर है आपके पास, तो बहुत सारे फंक्शन जो है वो गाड़ी में जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो जिस बात की प्राइस की अगर हम बात करें तो आपका जो प्राइस आता है वो आता है 7.5 लाख जो है वो इसका बेसिक प्राइस है। अगर हम LXA की बात करें, VXA 9.5, LXA की बात करें तो 11, या मैं आपको बेसिक प्राइस की बात बता रहा हूँ। तो ऑटोमेटिक गाड़ी है उनमें हर एक गाड़ी में आप 1.5-1.5 लाख रुपए ऐड करते रहे, हर गाड़ी की कॉस्ट आपके पास आती रहेगी। तो ये प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से हमने जो है वो ब्रीजा को प्रेफर किया। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओवरऑल अगर आप मुझसे रीजन पूछते हैं कि हमने ब्रीजा को क्यों पसंद किया, तो ये इसके प्रमुख कारण रहे थे जिसकी वजह से हमने ब्रीजा को पसंद किया। तो जो लोग भी लेने जाते हैं गाड़ी को, जिन्होंने बुक कराया है, तो वो इस क्वालिटी को मध्य नहीं रखते हुए जो लोग लेना चाहते हैं वो इसको ले सकते हैं। जिस रेट में ये गाड़ी आपको मिल रही है इज वन ऑफ द बेस्ट। फ्यूल एफिशिएंसी में गाड़ी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप इस ब्रीजा के लिए जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के राधे राधे, जय जय श्री राधे।